Get me. Thank you. अच्छा, ये जो आपको इस वक्त सीन नज़र आ रहा है, ये देखने में तो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, लेकिन ये है इंतहाई ख़तरनाक ख़तरनाक इन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। इन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, इन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, ये घरों से बेघर हो गए हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। ये देखें, ये बस्ती में और जो दरिया का पानी है इसके बीच में सिर्फ 100 फुट या इसके आसपास फासला होगा। ये आज रात तक पानी उधर पहुंच सकता है या हो सकता है कल सुबह तक पहुंच जाए, उसके बाद ये बस्ती यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर आपको पानी पानी नज़र आएगा। और ये जो हरी भरी फसलें हैं और लहलाती फसलें हैं, ये कल आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगी। अच्छा दोस्तों, जिस बस्ती का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था वो बस्ती ठीक मेरे पीछे है, ये चेक करें, और इस साइड पे ये आप चेक करें, ये दरिया चनाब का किनारा है, दरिया का जो बहाव है, पानी का बहाव वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस हद तक ये जो पानी पहुँच गया है सारी ज़मीनें ये दरिया अपने अंदर ले रहा है। और अगर आप बैक साइड पर देखें तो ये तकरीबन थोड़े से फासले पर बस्ती है, ये बस्ती कनाल पर बस्ती है। एक कनाल का रकबा है सिर्फ, एक कनाल का बीच में रकबा है, ये हो सकता है आज शाम तक या सुबह तक ये भी दरिया के अंदर आ जाएगा। बस्ती वालों ने पहले ही अपने जो मकान है वो यहाँ से उठाना शुरू कर दिए हैं, उनके सारे मकान तबाह हो गए हैं। ये चेक करें, ये अभी तकरीबन एक मिनट पहले ज़मीन का ये टुकड़ा जो सारी मिट्टी है ये दरिया के अंदर गई है, ये जो आपको नज़र आ रही है एक मिनट पहले अंदर गई है। तो इस तरह दो दो चार चार मरले, एक एक कनाल भी जो एक टाइम में जो दरिया है वो अपने अंदर लेकर चला जाता है। ये बिल्कुल एज पे देखें, इस साइड पे फसल है और इस साइड पे दरिया बह रहा है। जी बेहिसाबा मतलब दरिया ने मतलब अपनी लपेट ले लिया, मकान भी मतलब अपना ढा के अपने दूसरी जगह से शिफ्ट हो रहा है। अच्छा ये दसो, जो दरिया का पानी हूँ बह रहा है, ये पहले केड़ी जगह से बंद आई, आज तो तीन चार दिन पहले? पहले तो जी वो बड़ा काफी दूर आई जी, मतलब अपना किनारा, ये जितने रेत नजर आ रही है इस ते आई, इस तो भी दूर है पर आई। अच्छा इस तो भी पर आई। अच्छा तो थानू की लग रहा है बई ये हूँ जिस तरीके नाल पानी चल रहा है तो उतो भी ये अजे तक इतलाह है बई मजीद पानी आएगा तो कितने तक जाके अगे रुकेगा? हो सकता है जी मतलब इन मकान तो भी परा चला जाए। अच्छा ये इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा खौफनाक मंजर है, इनकी आंखों के सामने इनकी फसलें तबाह हो रही हैं, इनके जानवर वो मर रहे हैं और इनके जो घर हैं वो तबाह हो रहे हैं। सामने पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये कितनी लहलाती फसल है, ये 5 या 10 मिनट या हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर पानी के अंदर होगी। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक मंजर है, इसका अंदाज़ा यही लोग कर सकते हैं। ये देखिए ये फसल, ये इन लोगों ने फसल काट कर रख दी हुई है पीछे ये साइड पर, लोगों का इंतहा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं ये ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, अभी जो जब लोगों से मैं पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि ये गवर्नमेंट की जगह पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने इनको 2-2, 3-3 एकड़ अलाट की हुई है जिससे ये अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, अब वो भी इनसे छीन रही है। तो और ऊपर से जब इनसे पूछा कि गवर्नमेंट की कोई इमदाद आई है तो इनके बारे में इनका रिस्पॉन्स है कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास नहीं आया। अच्छा ये पानी के बहने की आप स्पीड चेक करें, कितना ज़्यादा तेज़ी से पानी बह रहा है। दरिया में पानी कदरे कम हुआ है लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो कम नहीं हुई,
इसकी रफ़्तार इसी तरह बरकरार है, ये इसी रफ़्तार से लोगों की फसलों को निगल रहा है, लोगों की ज़मीनों को निगल रहा है, लोगों के जानवरों को निगल रहा है। अगर ये इस तरह बहता रहता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़दशा है, और ये कोई पता नहीं कि नुकसान कहाँ पर जाकर रुकता है। और चिड़ी भी आती पे